और ख्वाब की जो है ना ये तीन टाइप्स बनती हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता दूँ। सबसे पहली जो इसमें कैटेगरी है उसको मैं कहता हूँ रहमानी ख्वाब, जो अल्लाह की तरफ से होते हैं। सेकंड हम उसको कहते हैं शैतानी ख्वाब। थर्ड उसको मैं कहता हूँ नफसानी ख्वाब। ये तीन कैटेगरीज है बेसिकली जितने भी ख्वाब आते हैं, रहमानी, शैतानी, नफसानी। फर्क ये है कि इन तीनों में से हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, कौन सा ख्वाब रहमानी है अल्लाह की तरफ से इशारा है, कौन सा ख्वाब शैतानी है जो कि डराने के लिए या कुछ और करने के लिए, और कौन सा ख्वाब जो है वो नफसानी है, हमारे नफ्स ने हमें वो ख्वाब दे दिया। इसकी सिंपल सी कैटेगरी में इस तरह बता दूं, नफसानी जो ख्वाब होता है ना वो बड़ा सिंपल है कि आप जिस चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं जो दिन में आपके साथ हुआ हुआ है। एक इंसान ने गाड़ी खरीदनी है ना, और ये तो होता है हमारे साथ, आपने जो गाड़ी खरीदनी है आप उसको लॉक करते हैं, आपको दुनिया में हर जगह वो गाड़ियां दिखती है। अगर आपने कोई बाइक खरीदनी है आपको हर जगह वो दिखे। अगर आपने कपड़े खरीदने, एड भी अब तो है ना वो अपना कपड़ों वाले आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको ख्वाब भी जो है जो फीड में आ रहे हैं तो आपके इंटरनल जो फीड है ख्वाब के अंदर भी है ना, नफ्स आपको वही दिखाना चाहिए जो आपने इतना ज्यादा पढ़ा सोचा किया किया किया, नफ्स भी आपको वही दिखा रहा है। अच्छा अब हम ये बड़ा आसान है, अब हम आते हैं रहमानी और शैतानी ख्वाब के अंदर क्या फर्क है। रहमानी और शैतानी ख्वाब के अंदर ये फर्क है कि रहमानी ख्वाब के अंदर हो सकता है वो ख्वाब जो है जो ड्रीम है वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से एक मुस्तकबिल की रहनुमाई होती है। लेकिन रहमानी ख्वाब कितना भी टेरिबल और हॉरर वाला क्यों ना हो, खौफनाक क्यों ना हो, इंसान डरता नहीं है उससे। ये बेसिक मैं सारी बातों का लुबे लुबाब बता देता हूँ, डरता नहीं है इंसान उससे। आप भले देख लें कि आप जल रहे हैं, कोई भैंसा आ गया है, कोई वैश्य जानवर आपके ऊपर आ गया है, आपको तंग कर रहा है, मार रहा है, ठीक है, अगर तो वो रहमानी है वो ख्वाब बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन आप उस ख्वाब में डरेंगे नहीं, पसीने में शराबूर होके नहीं उठेंगे, झटके लग के नहीं उठेंगे आप। लेकिन जो शैतानी ख्वाब होता है इसको भी मैं दो जगह डिवाइड कर दूं। शैतानी ख्वाब जो होता है उमूमी तौर पे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा कोई सेक्सुअल डिजायर के ऊपर उभारने के लिए वो आपको जो ख्वाब आए तो माइंड में रख लेगा ये शैतानी ख्वाब। इसी तरीके से ऐसे ख्वाब शैतानों को ना जिन्नात को पता होता है कि हमारे लूप होल्स क्या है, मतलब हमारे पेन पॉइंट कौन से हैं कि जिनको हाथ नहीं लगाना, छूना भी नहीं, जो कि बेसिकली हमारे फियर्स होते हैं अंदर ना, डीप इनसाइड डीप पॉकेट्स के अंदर हमारे ना वो डेवलप फियर्स होते हैं हमारे अंदर, जिनको होना हम सोच जिनके होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, किसी के चले जाना, किसी का कोई नुकसान हो जाना, किसी का आ जाना, किसी को देख लेना। तो शयातीन और जिन्नात क्या करते हैं, उन चीजों को दिखाते हैं और फिर हम उससे डरते हैं। और कुरान भी बात बयान करता है, लिखौफ औलिया, खौफ वाला जो एलिमेंट है ना ये शैतान के ख्वाबों के अंदर बड़ा जबरदस्त तरीके से शामिल होता है।